इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, खबर आ रही है कि गया में उपद्रवियों पर लाठीचार्ज हुआ है। आपको बता दें, आज भारत बंद का ऐलान किया गया था और उसके बाद जिस तरीके से चीजें सामने आ रही हैं, खासकर बिहार से, वो एक चिंता का विषय था। अभी अभी जानकारी आ रही है कि आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया है और गया में, बिहार में ज्यादा बवाल हुआ है। और अभी जो खबर आ रही है, गया में लाठीचार्ज हुआ है, आंसू गैस के गोले दागे गए, दर्जन भर से ज्यादा लोग हिरासत में लिए गए। भारत बंद के दौरान पत्थरबाजी, भारत बंद के दौरान उपद्रवियों ने वहां पर काफी हंगामा खड़ा किया। अब जाकर पुलिस के नींद टूटी है और पुलिस को हवा में फायरिंग तक करनी पड़ गई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको यह बता रहे हैं, इसको जरा समझने की कोशिश करें, किस तरीके से बेकाबू भीड़ पर आंसू गैस का प्रयोग किया गया है गया बिहार में। इस बंद को लेकर काफी ज्यादा उपद्रव, काफी ज्यादा हंगामा की तस्वीरें आई हैं। ये देखें आप, तस्वीरें आ चुकी हैं किस तरीके से उपद्रवियों को पकड़ पकड़ कर अब पुलिस एक्शन में आ रही है। सड़क को जाम करने की कोशिश की गई, पत्थरबाजी की गई, पुलिस को हवा में फायरिंग करनी पड़ी, आंसू गैस के गोले दागने पड़े, लाठी चार्ज करना पड़ा वहां पर। और ये देखें आप, गया में कोशिश की गई थी किस तरीके से वहां पर हालात जो है वो बेकाबू किए जाए, फिर ये पुलिस वापस एक्शन में आती है। सबसे पहले आप तस्वीरें देखें, ये देखें आप तस्वीरें आपके सामने, किस तरीके से गया में हालात बेकाबू हो गए थे और उसको काबू में करने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा, आंसू गैस के गोले दागने पड़े, पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी, हवा में फायरिंग करनी पड़ी, बल प्रयोग करना पड़ ही गया पुलिस को। शायद इससे बच रहे थे, लेकिन जो हालात थे वो इस कदर बेकाबू हो गए थे जिसकी वजह से यह हुआ। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।